वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास टेन्थ पिला माने समस्त को मुनासर स्टडी पॉइंट को वेलकम। आउ बहुत बढ़िया कथा पिला माने तुम वीडियो का आरंभ से पर्यंत देखुछ से मेनी मेनी थैंक्स। कथा हूँ पिले काल पर्यंत आम आलोचना कर दे आलोक विषय प्रतिसरण नियम पर्यंत पिला माने आलोचना करते लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आज आम पिले जा प्रतिसरणांक कौन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन ताक पिला माने आम आलोचना करवा। देख पिले प्रतिसरणांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शून्य वायु मध्यम आलोकर बेग एवं अन्य जेकोसी मध्यम आलोकर बेगर अनुपात को मध्यम प्रतिसरणांक कहुए। मन रख शून्य वायु मध्यम आलोकर बेग एवं अन्य जेकोसी मध्यम आलोकर बेगर अनुपात को मध्यम प्रतिसरणांक कहुए। तो अर्थात आम लिखिपर सैन आई बै सैन आर इज इक्वल टू एक स्थिरांक जहाँकि एक स्नेल नियम बोली आम पूर्व पीरियड में आलोचना करें। देख उदाहरण टे अर्थात आपतन कोण हूँ पे आई चित्रटी को मध्य लक्ष्य कर और प्रतिसरण कोणटे हूँ आर हेले स्नेल नियम अनुसार सैन आई बै सैन आर इज इक्वल टू एक स्थिरांक अटे। ये स्थिरांक को प्रथम मध्यम तुलन में द्वितीय मध्यम प्रतिसरणांक कहुए। प्रथम मध्यम हूँ पे वायु द्वितीय मध्यम हूँ पे कौन काच आलोक वायु काच मध्य प्रवेश करुच्छी से समय से अनुपात हम सैन आई बै सैन आर एक स्थिरांक होपर पॉइंट देख पे जदि आलोक रश्मि काच मध्य प्रवेश कै तेब सैन आई बै सैन आर को वायु तुलन में काचर प्रतिसरणांक कहुए। अर्थात सैन आई बै सैन आर इज इक्वल टू म्यू बा काच। जदि आलोक रश्मि शून्य रु काच मध्य प्रवेश कै तेब सैन आई बै सैन आर को शून्य तुलन में काचर प्रतिसरणांक कहुए। अर्थात सैन आई बै सैन आर इज इक्वल टू वायु रु काच को तुम जापर जदि आलोक रश्मि काचर वायु मध्य प्रवेश कै तेरे से कौन हम सैन आई बै सैन आर को काच तुलन में वायुर प्रतिसरणांक कहुए। सैन आई बै सैन आर इज इक्वल टू काच रु जोटा को वायु को आम बुझा। तो प्रतिसरणांक एकक पिले विहीन तार एकक नहीं प्रतिसरणांक एकक पिले रही न था। दुईटी मध्यम भितर आलोकर संचरण आपेक्षिक बेग सहित प्रतिसरणांक संपर्क रही। शून्य रे आलोकर बेग सर्वाधिक पिले सबुठारु केते ना 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। मन रखा यटा को शून्य रे आलोकर बेग सर्वाधिक अर्थात 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। तले मन रखिले आमे तीनटा कथा पिले आमे आलोचना कले गोटे होची आलोक रश्मि काच मध्य प्रवेश करे से जगार कौन हुए ना वायु तुलन में काचर प्रतिसरणांक कहुए। अर्थात सैन आई बै सैन आर इज इक्वल टू आमर कौटू वायु तुलन काचरे वायु रु काच बोली आम जापर सेटा सेमती। जदि आलोक रश्मि शून्य रु काच मध्य प्रवेश कैसे शून्य रु काच मध्य को आलोक जीव जदि आलोक रश्मि काच रु वायु मध्य प्रवेश कैसे लिखे आम कौन काच रु वायु को पिले जाए। यह मन रख प्रतिसरणांक एकक पिले ना एकक विहीन एवं दुईट मध्यम भितर आलोकर संचरण आपेक्षिक बेग सहित प्रतिसरणांक पिले संपर्क रही। शून्य आलोकर बेग सबुठ सर्वाधिक जार मूल्य हूँ 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। मनेकर प्रथम मध्यम आलोकर बेग जदि पे आम भि ओन नवा द्वितीय मध्यम आलोकर बेग को जदि आम भि टू नवा तेल कौन हम देख पे ना एक मध्यम प्रतिसरणांक आलोकर बेग मध्य संपर्क कौन हम जदि आम भि ओन भि टू को नहींचे तेल प्रथम मध्यम तुलन में द्वितीय मध्यम प्रतिसरणांक को आलोकर प्रथम मध्यम बेग और द्वितीय मध्यम बेगर अनुपात द्वारा पिले प्रकाश कराए। यही प्रतिसरणांक को एन टू वन संकेत द्वारा प्रकाश कराए। एन टू वन कहले आम कौन पिले बुझा आलोकर प्रथम मध्यम बेग डिवाइडेड बाय आलोकर द्वितीय मध्यम बेग
तो इज एन इक्वाल भि ओन बै जदि एन ओन टू हुए द्वितीय माध्यम तुलन में प्रथम मध्यम प्रतिसरणाक आम नवा से समय एन ओन टू इज एन इक्वाल आलोकर द्वितीय मध्यम बेग विभक्तक आलोकर प्रथम मध्यम बेग आम से कौन हम ना भि टू बै भि ओन पे हम यहाँ मन रख तापरे कथा होची परम प्रतिसरणांक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन जदि प्रथम माध्यम शून्य हुए तबे शून्य माध्यम तुलन में द्वितीय माध्यम प्रतिसरणांक को द्वितीय माध्यम परम प्रतिसरणांक बोली कह जाए मन रखे यू जदि प्रथम माध्यम शून्य हुए आमर शून्य माध्यम तुलन में द्वितीय माध्यम आउ जो माध्यम से गति कर शून्य माध्यम तुलन में द्वितीय माध्यम प्रतिसरणांक को द्वितीय माध्यम परम प्रतिसरणांक बोली कह जाए अर्थात यह आम लिखिपर ना यह एन टू जीरो सरल भाव में केवल एन टू संकेत द्वारा चिन्हित करम प्रतिसरणांक को प्रतिसरण मध्यम आलोकर प्रकृति किपर हुए देख चल आलोचना करवा जदि आलोकर वेग शून्य मध्यम वायु मध्यम सी हुए अन्य मध्यम भि हुए तेज शून्य वायु माध्यम तुलन में से ही मध्यम परम प्रतिसरणांक होने एन इज एन इक्वाल आलोकर वायु बेग विभक्त आलोकर मध्यम बेग वायु आलोकर बेग के मध्यम जोटा कि आम जल है काच है जहाँ मध्यम आम नवा आलोकर मध्यम बेग पे हूँ भि अर्थात एन इज एन इक्वाल सी बै भि पे हम सीटा हूँ बोले आलोकर वायु बेग भिटा हूँ बोले आलोकर मध्यम बेग गोटे मध्यम परम प्रतिसरणांक को सरल भाव से ही मध्यम प्रतिसरणांक बोली कह जाए था जलर प्रतिसरणांक एन टू जीरो इज एन इक्वाल वन पॉइंट थ्री थ्री अटे यार अर्थ कौन बोले बुझे आम वन पॉइंट थ्री थ्री जेहेतु बोले यार एकक विहीन यार अर्थ आलोकर वायु बेग और जलर बेगर अनुपात हूँ वन पॉइंट थ्री थ्री तो बर्तमान आम जान लें एन टू जीरो कहले आम क्या बुझा ना आलोकर वायु बेग विभक्त आलोकर मध्यम बेग तो सी बै भि तेनाली आम जो एन टू जीरो मूल्यटा आम जान लें जो वन पॉइंट थ्री थ्री यार अर्थ हो आलोकर वायु बेग के विभक्त जलर जलर बेगर के मानने आलोकर बेगटा जलर के उभय अनुपात हूँ वन पॉइंट थ्री थ्री क्राउन काचर प्रतिसरणांक देख पे वन पॉइंट फाइव टू अटे तो ये कौन बुझा कौन बिले बुझा ना आम बुझा आलोकर वायु बेग विभक्त काचरे काचरे के काचरे आलोकर बेग के उभय अनुपात को आम वन पॉइंट फाइव टू बिले बुझीपर गोटे अधिक आलोक घन ऑप्टिकल डेंसर माध्यम वस्तुत्व घनता मास डेंसिटी सबु स्थल अधिक हो नपे पे यहाँ मे भी कथा आसला तेनालीपे कि नईपे उदाहरण देख गोटे आलोचना आम करवा किरोसिन प्रतिसरणांक जल ठार पे अधिक तेणु जल तुलन में किरोसिन आलोक घनता अधिक मात्र किरोसिन वस्तुत्व घनता जल तुलन पे कम हाँ ना कहीं किरोसिनटा पानी भाषे ना ये जो पानीटा किरोसिन भाषे ना किरोसिनटा पानी भाषे सीटा हूँ वस्तुत्वर घनता जल तुलन में कमीगला से भाषुच्छी कितु किरोसिन प्रतिसरणांक जल ठार पे अधिक तेणु जल तुलन में किरोसिन आलोक घनता पे अधिक हो पार मात्र किरोसिन वस्तुत्वर घनता जल तुलन पे कम हो पार जो उदाहरण बर्तमान जान लें जो गोटे अधिक आलोक घन मध्यम वस्तुत्वर घनता सबु स्थल पे अधिक हो नपे यहाँ गोटे उदाहरण है जमी किरोसिन एग्जाम्पल आम नेतने कथा बिल्कुल मन रख गोटे मध्यम आलोक प्रतिसरण दक्षता से ही मध्यम आलोक घनता पर निर्भर कै यहाँ को मन रखा पड़ो द्वितीय पॉइंट है आलोक घनता वस्तुत्व घनता ठार भिन्न हम लघुमाध्यम अर्थ आलोक लघुमाध्यम और घनमाध्यम अर्थ आलोक घनमाध्यम को बुझा जाटा गोटे पॉइंट मन रख गोटे पॉइंट है पे दुईट मध्यम को तुलना कले जार प्रतिसरणांक अधिक थी ताहा अन्य माध्यम अपेक्षा अधिक आलोक घन पे हम आ गोटे पॉइंट देख पे आलोचना करे जो मध्यम प्रतिसरणांक कम ता आलोक लघुमाध्यम हम लघुमाध्यम गोटे घनमाध्यम पे गोटे मध्यम दुईटा आमर तेणु जहाँ जो मध्यम प्रतिसरणटा कमी जा कम थी ताहा आलोक लघुमाध्यम हम जार अधिका से घनमाध्यम हम
गोटे लघु माध्यम रु घन माध्यम को आलोक गति कले तार बेग पिले कमी जाए ता अभिलंब आड़ को बंके आसे केतेबेले जेतेबेले लघु माध्यम रु घन माध्यम को आलोक गति करे तार बेग पिले कमी जाए तार अभिलंब आड़ को बंके आसे सेपरी गोटे घन माध्यम रु जेते लघु माध्यम गति करे आलोकर बेग पिले वृद्धि पाए अभिलंब ठारु ता दूरे जाए थाए ए पॉइंट सारा टिके नोट्स करके मन रखिबो तापरे आम प्रश्नावली पे पांचटी प्रश्न देची से प्रश्न गुड़िक बर्तमान आम आलोचना पे मैंने करवा देख पे टेबुल टी आग आग आम पढ़ क्वेश्चन आंसर पढ़ा पूर्व टेबुल टाइम आलोचना करवा देची सारणी 6.3 पे यहाँ केतक जड़ीय मध्यम परम प्रतिसरणा दि जाइए जड़ीय मध्यम है पे किए ना वायु बरफ जल आल्कोहल किरोसिन तरलीकृत क्वाच बा फ्यूज्ड टर्पेंटाइन तेल बेंजिन क्राउन काच एतक पे जड़ीय मध्यम प्रतिसरणा प्रत्येक दि जाइए जड़ीय मध्यम दे दीजिए तार कण कण प्रतिसरणा दत अच्छे वायुर पे प्रतिसरणा हो 1.003 आउ बरफ रिले हूँ 1.31 मन रखाक जल रोचे 1.33 आल्कोहल हूँ 1.36 किरोसिन हूँ 1.44 तली क्वाच्र तलीकूट क्वाच्र 1.46 टर्पेंटाइन तेल रोच 1.47 बेंजिन हूँ 1.50 ब्राउन काच रोच 1.52 से भाव कानाडा बालसम रोच पे प्रतिसरणा 1.53 रक् लवण रोच 1.54 कार्बन डाइसलफेट रोच 1.63 घन फ्लिंट काच र 1.65 रुबी जोटा यार मूल्य टी हो 1.71 प्रतिसरणा मूल्य साफायर बा नीलमणि जोटा आमर कहती 1.77 हीरार पिले 2.42 यही सारणी को आम देखला जड़ीय मध्यम प्रतिसरणा को आम अनुधान पिले कले सबुठ कम हो वायुर जोटा कि 1.0003 सबुठ अधिक पिले हूँ 2.42 यटा को मन रख से भाला भाई आल्कोहल जल बरफ एगुड़ा सब टिके मन रखा पड़े पे कहीं परीक्षा सर्ट टाइप क्वेश्चन पड़े ध्यान सहित यही केतक जड़ीय मध्यम परम प्रतिसरणा को तुम टे मन रख मखर जा बर्तमान जो पांचटी प्रश्न पे बहुत ताक पे बर्तन आलोचना करवा देख पे प्रथम प्रश्न हूँ वायु में गति कर आलोक रश्मि तीर्जक भाव में जल में प्रवेश कले से ही रश्मि मध्यम द्वयर व्यवधान पृष्ठ से अविलंब आड़ बांकी ना अविलंब ठार दूरे दूर को बांकी एपरि कहीं पे हे मन रख आलोक रश्मि अविलंब आड़ बांकी कारण आलोकर बेग वायु तुलन जल से कम बेग ह्रास होविलंब आड़ पे बंके जाए यहाँ मन रख द्वितीय क्वेश्चन है आलोक 1.50 प्रतिसरणा विशिष्ट काच मध्य प्रवेश कला काच भितर आलोकर बेग के पे मन रख शून्य आलोकर बेग हूँ 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड अटे तेणु उत्तर को आम जा काचर प्रतिसरणा NG=1.50 आलोकर वायुर बेग हूँ 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड आलोकर काच मध्यम बेग हूँ बोले VG आलोकर वायुर बेग विभक्तक आलोकर काच मध्यम बेग जो सूत्रटी पे बर्तन आम आलोचना करते काचर परम प्रतिसरणा तो सी बै VG इजान इक्वाल पे के NG पे VG इज इक्वाल टू पे कौन हम ना सी बै NG हम अर्थात 3×10⁸ बै 1.5 मीटर पर सेकेंड ताकि कटाकटी कले 2×10⁸ मीटर पर सेकेंड पे मैंने हम तापर हूँ तीन नंबर देख दे 6.3 आमर जो सारेटी रही पे बहरे तुम देख क्यों मध्यम आलोक्य घनता सर्वाधिक क्यों मध्यम आलोक्य घनता सर्वनिम्न देख से सारणी को आम देखापुर आम जान लें हीरार प्रतिसरणा सबुठ पे सर्वाधिक जार मूल्य हो 2.42 होइतिबार यार आलोक्य घनता सर्वाधिक हम वायुर प्रतिसरणा पे सबुठ सर्वनिम्न हम तार मूल्यटे 1.0003 होइतिबार वायु आलोक्य घनता पे सर्वनिम्न हम 4 नंबर क्वेश्चन देछि तुमको किरोसिन टर्पेंटाइन तेल और जल पे दिगला या मतलब क्या भितर आलोक सबुठ अधिक प्रकार गति कर सही 6.3 सारणी तथ्य को तुम देख पे व्यवहार कर देख किरोसिन
एन इज इक्वल टू 1.44। टर्पेंटाइन एन इज इक्वल टू पिले 1.47। जलर एन इज इक्वल टू पिले 1.33। तले एठारे जलर प्रतिसरणांक सर्वनिम्न होइतिबारु जलर आलोकीय घनता पिले सबुठारु सर्वनिम्न, तेणु जल भितर आलोक सबुठारु अधिक बेगर पिले गति करिव। ये गोटे क्वेश्चन मध्य मन रखिब। आ गोटे क्वेश्चन देख पे पांच नंबर क्वेश्चन टी, हीरार प्रतिसरणांक 2.42 अटे, यार अर्थ कौन तुम बुझुच ना? हीरार आलोकीय घनता पिले सबुठारु अधिक होइतिबारु हीरा भितर आलोक सबुठारु कम बेगर गति करे, यह आलोकर वायुर बेग और हीरार बेगर अनुपात को बुझा जाए थाए। ये पांचटी क्वेश्चन समस्त आलोचना कली मन दे पे ध्यान दे पढ़ापढ़ी कर, भिडियो पे आरंभ शेष पर्यंत देख, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब पे तुम्हें कर। ओके।